मेरी तरफ से फैक्टफुल टीवी में आप सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कुछ दिन पहले मशहूर भारतीय पंजाबी गुलूकार सिद्धू मूसेवाला को बेरहम तरीके से कत्ल कर दिया गया था। इस कत्ल के बाद पूरे पंजाब में शोक का मातम था। सिद्धू मूसेवाला के फैन और चाहने वाले सोग में हैं। इस कत्ल के 8 घंटे बाद सोशल मीडिया पर एक गोल्डी बरार नामी शख्स ने इस कत्ल की पूरी जिम्मेदारी ली। उसका कहना था कि हमने सिद्धू को बहुत बार पॉलिटिक्स और सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने से रोका था। नाज़रीन, सिद्धू मूसेवाला के गानों से उनकी शख्सियत का पता चलता है वो कितने बहादुर और सच्चे इंसान थे। मूसेवाला को कत्ल करने के बाद बहुत सारे अदाकार डरे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद सिद्धू के दोस्त बहुमिया ने एक ट्वीट करके पूरी दुनिया को सही दोस्ती का सबूत दिया है। उसका कहना था कि सिद्धू जैसे लेजेंड किस्मत से मिलते हैं जिसे भारत ने गंवा दिया है। उसके बाद सोनम बाजवा ने भी ट्वीट करके कहा है कि सिद्धू बहुत ही नफीस और बहादुर इंसान था। सोनम बाजवा का मजीद कहना था कि मेरी सिद्धू से अक्सर बात होती थी। सोनम बाजवा ने मजीद कहा कि कत्ल से थोड़ी देर पहले मेरी सिद्धू से बात हुई और उनकी बात से साफ पता चल रहा था कि सिद्धू को इस हादसे का पहले से इल्म था, जो उनके आखिरी गाने द लास्ट राइड से पता लगाया जा सकता है। नाज़रीन, सिद्धू एक लेजेंड था और बहादुर इंसान था। अगर आप भी इस बात से इत्तफाक करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट सेक्शन में ब्रेव लेजेंड लिखकर सिद्धू के लिए आगे नेक ख्वाहिशात का इजहार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।